हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आपको जैसे कि पता ही है कि दशहरा आने वाले 12 अक्टूबर को, और हमारे घर के पीछे ही दशहरा का मेला लगता है। और जब भी किसी मेला लगना होता है, जब भी कभी उधर ही लगता है। तो दशहरा आने वाला, तो दशहरा का उधर मेला लग रहा है, बालकनी से दिख जाता है। चलिए मैं आपको दिखा, ये देखो दशहरे की सारे झूले वूले लग रहे हैं। देखो उधर पिछली बार भी हम ऐसे ही वो गोल गोल घूमते उधर बैठे थे, और इस बार लग रहा थोड़ी अलग सा झूले लग रहे, थोड़ा अलग सा डिफरेंट टाइप का मेला होगा ऐसा लग रहा है। देखिए ये सेटअप हो रहा है, ये मेरे को लग रहा है वो बड़े वाला नहीं होता, वो वाला लग रहा है। हाँ मैरी गो राउंड नहीं, बहुत बड़ा होता है, ऊपर से नीचे तक नाम पता नहीं, मैं भूल गई क्या कहते हैं उसे, वो ड्रैगन सा बना होता है मुंह में। माशाल्लाह उसी का सेटअप लग रहा है मुझे। जब आप मुझे बोल चुके हो कि मम्मा सुन लो, तो फिर बाबा रिवाइज क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है। तैयारी अच्छे कर लो फिर बुलाओ सुनने के लिए। बस अब एक और चैप्टर करके फटाफट से सुना दो, फिर उन्हें जाना भी है ना। फिर आपने बोला तो कि थोड़ी देर बात कर लोगे, थोड़ी देर हो तो गई, नहीं हुई तो अभी तो सुना के हटाया मैंने, 10 मिनट हो चुके हैं। नहीं तो कुछ भी, अभी मैंने हटना अपनी बात पर, अभी चलो दृढ़ निश्चय रहो। स्कैम कर रहे हो ये तो। आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए बोलना भी है स्कैम। खैर आज छुट्टी का दिन था तो कुछ स्पेशल बनना था, और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा था आलू पूड़ी और साथ ही में खट्टे मीठे कद्दू की सब्जी। पूड़ी वाला आटा रेडी था जिसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी थी अजवाइन और कसूरी मेथी, और साथ ही में आलू की सब्जी भी हो गई थी रेडी। स्पेशल ब्रेकफास्ट की लास्ट आइटम रह गई थी बननी, जो था खट्टा मीठा कद्दू, और आलू पूड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। इसको बनाया था बहुत ही सिंपल तरीके से, और लास्ट में इसमें दो चीज़ें डाली थी, थोड़ी सी चीनी और आमचूर पाउडर। अगर आपके पास कच्ची अम्ब भी है तो आमचूर पाउडर की जगह कच्ची अम्ब भी ज़रूर डाल लें, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। तो खैर सब कुछ हो गया था रेडी, बस लास्ट चीज़ रह गई थी बनानी, वो थी पूड़ी, और हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार था। और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर नीर को और पढ़ाना था, और फिर सीधा निकल जाना था गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर छतरपुर। और स्पेशल ब्रेकफास्ट की ये थाली आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीताफल की सब्जी ठीक बननी है, सीताफल की बताओ वो खा लेना पूरा। नीर का नेक्स्ट एग्जाम है SST, जिसमें उसको मिली है 3 छुट्टियां, तो आज हमारे लिए भगदड़ बहुत ही कम थी, तो बस प्लान कर लिया बड़े मंदिर जाने का। यहाँ से छतरपुर पहुँचने में लगते हैं अराउंड 2 घंटे, लेकिन हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला, और बहुत ही स्मूथली हम पहुँच गए थे। बहुत ही अच्छे से किए दर्शन, खूब सारी पॉजिटिव वाइब्स ली, और वापस चल पड़े घर की तरफ। तो ऐसे ही था आज का हमारा दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you and goodbye.